So what's up everyone this is me Satyan Sharma in this video we will discuss the major mistakes that every J NEET students commit during their preparation I have committed some of the mistakes and uh, other points I have written after having a conversation with some of my friends so without wasting any time let's start the video point uh, sorry biggest mistakes of JEE journey point number one never see the question uh, solution of the questions immediately ये गलती ऑलमोस्ट हर कोई करता है जो एलेवेंथ में नया नया आता है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक उठा ली फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा सर उस बुक का अगर एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होता है तो तुम क्या करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यू विल गो एंड सर्च ऑन गूगल एंड देर आर मेनी वेबसाइट दैट विल डिस्प्ले द क्वेश्चन दैट विल डिस्प्ले द सोल्यूशन ऑफ़ द क्वेश्चन उस सॉल्यूशन को तुम देखोगे वो सॉल्यूशन देखने के बाद यू विल फील कि तुम्हें वो सोल्यूशन समझ आ गया बट ऐसा नहीं हो रहा होता है अगर मैं एक हफ्ते बाद वो क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछूं तो वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा ट्रस्ट मी जिन्होंने किया है कमेंट सेक्शन में बता देना ऐसा हुआ होगा जो ट्वेल्थ में आए उनको मालूम है ऐसा इलेवेंथ में होता है अगर वो क्वेश्चन टेस्ट में आ रहा है पी वाई क्यूज में आ रहा है तो फिर से वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होता है तो नेवर डू दिस मिस्टेक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई हैव गॉट अ लो रैंक इन जे एडवांस पूरी क्लास इलेवेंथ निकल गई मेरी सॉल्यूशन देखने के चक्कर में ट्वेल्थ के भी स्टार्टिंग के दो से तीन महीने सॉल्यूशन देखने के में निकल गए उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली गलत हो रहा है इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंदन नहीं हो रहा है इससे तुम टेम्प्ररी तुम्हें हैप्पीनेस मिल रही है टेम्प्रेरी हैप्पीनेस इन द सेंस कि तुम्हारा उस टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो तुम खुश हो गए लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो उस क्वेश्चन पे स्ट्रगल करो थोड़ा टाइम दो दो से तीन बार अटेम्प्ट करो नहीं सॉल्व होता है आधे एक घंटे के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो उसके बाद आके फिर से सॉल्व करो फिर नहीं होता है उसके बाद सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन भी सारे स्टेप्स को एनालाइज करो कि ये स्टेप में ऐसा पॉइंट क्यों लिखा हुआ है बिकॉज ऑथर का सॉल्यूशन और तुम्हारे सॉल्यूशन में हो सकता है डिफरेंस हो और अगर एक ही क्वेश्चन के दो मेथड मिल जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड पॉइंट नंबर टू डोंट परचेज टू मेनी बुक्स दिस इज अबिट ऑफ एवरी क्लास इलेवेंथ जेई नीड स्टूडेंट्स कि जब क्लास इलेवेंथ में नए नए आते हैं यू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च द बेस्ट बुक्स फॉर जेई प्रिपरेशन फॉर आई आई टी जई फॉर जेई एडवांस्ड बेसिकली तो वहां पर कई सारी बुक्स दिखाते हैं अब टीचर्स उसमें बताते हैं कि ये इनमें से कोई एक बुक ले लो लेकिन हम लोग क्या करते हैं वो पांच सेट दिए पांचों सेट खरीद लिए पीवाई के उस दिए पी वाई की उस खरीद लिए और कोई एक्स्ट्रा बुक बता दी कि हां इससे लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा वो परचेज कर ली बट डेट्स अ रॉन्ग हैबिट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ मैंने क्लास इलेवंथ में एस एल लोनी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री परचेज कर ली थी बट ट्रस्ट मी मैंने उसका एक भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया जैसी कि है जैसी की वैसी ही पढ़ी है सात सूत्री बुक पढ़ी हुई है मेरी अभी तक सो कीप इन माइंड कि जो बुक तुम परचेस कर रहे हो उसको पहले पूरा सॉल्व कर लो उसके बाद किसी दूसरी बुक पर जाओ सेकेंड ज्यादा बुक्स मत खरीदो कुछ बुक्स से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे राइट फर्स्ट कंप्लीट वन एंड देन मूव ऑन टू द अदर बुक पॉइंट नंबर थ्री नीदर अंडर एस्टिमेट नॉर ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि अगर तुमसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है जे एडवांस लेवल फॉर एग्जाम्पल तुमने प्रीवियस ईयर पिक किए एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ आई आई टी जी सो यू विल फील लाइक कि मेरा तो जे एडवांस में होने नहीं वाला आई एम नॉट मेड फॉर आई आई बट दैट्स अ रॉन्ग ओपिनियन यू मेक अबाउट योर सो स्टे अवे फ्रॉम दिट एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग और जे जेई प्रिपरेशन कि अगर तुमसे लगातार दस से पंद्रह क्वेश्चन सॉल्व हो गए आई टी जेई सब्जेक्टिव वाले या जेई एडवांस लेवल वे सो यू विल थिंक कि यार वाह जे ई एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी टू में या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अब मेरी अब मेरा बहुत अच्छा कमांड हो गया और मैं अच्छा कर लूंगा तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग हो जाती है नीदर अंडर कॉन्फिडेंस नॉर ओवर कॉन्फिडेंस स्टे एट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं अच्छी बात है आई एम सेटिस्फाइड विथ इट लेकिन पढ़ाई करते रहो पढ़ाई नहीं छोड़नी है पढ़ाई जो छोड़ देता है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फोर्थ नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद टॉपर ये स्टूडेंट्स तो कम पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं कि राइट right, टॉपर से कंपैरिजन हो जाता है हम लोगों का सबका होता है सबकी प्रिपरेशन के टाइम एक टॉपर ऐसा होता है राइट right, शर्मा जी का बेटा होता है जिससे हमारा कंपैरिजन हो रहा होता है तो उस टॉपर के कंपैरिजन से बचो बातें जो भी सुनाई दे रही हैं तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो क्योंकि टॉपर अलग तुम्हें टॉपर अगर बनना है तब उसके स्टेप्स फॉलो करो कि क्या क्या वो कर रहा है ये फॉलो करो ये नहीं देखो कि यार इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं ये तो टॉपर है ये वो वो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा है उसको चुराओ उससे टॉपर से कंपैरिजन मत करो अपना कि मैं यहाँ हूँ टॉपर वहाँ है नहीं तुम उसके स्टेप्स लोगे तो कुछ दिन बाद तुम भी उसकी जगह पर पहुँच जाओगे तो टॉपर से कंपेरिजन नहीं करना है हमें एंड जो तुम्हारी स्पीड है प्रिपरेशन की उस स्पीड को मेंटेन करते हुए चलो कोई ऐसी जरूरत नहीं कि अगर टॉपर तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स पे तुम वर्क एनर्जी पावर पे हो तो तुम वर्क एनर्जी पावर छोड़ के रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं तुम वर्क एनर्जी पावर पढ़ते रहो ग्रेजुअली तुम्हारी प्रिपरेशन इंप्रूव हो जाएगी फिफ्थ डोंट जस्ट कीप स्टडिंग काफ़ी लोगों की बीमारी रहती काफ़ी लोगों टॉपर से आ, इंस्पायर होकर आते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ने 12 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई करनी बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट वर्थ इट अनलेस एंटिल यू डोंट वॉन्ट एन ए आई आर अंडर थाउजेंड आठ घंटे पढ़ना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम होता है इससे ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता मैं तो नहीं पढ़ पाता था अगर तुम लोग पढ़ पाते हो तो इट्स वेल एंड गुड लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता था बीच में ब्रेक लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टडिंग होल्डे अगर पूरे दिन पढ़ाई करोगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब तुम्हारा माइंड थक गया होगा पूरे तरीके से और उसके बाद भी तुम तीन घंटा पढ़ाई करोगे तो वो तीन घंटा जो तुम पढ़ाई करोगे वो टोटल वेस्ट है क्योंकि उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहने वाला है अपने माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो ब्रेक लो अगर कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो ब्रेक लेने से सोशल मीडिया पर नहीं जाना है आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने फैमिली टाइम स्पेंड करो कुछ एंड दैट दैट वॉज अबाउट द फिफ्थ पॉइंट राइट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट सिक्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हेल्थ वर्सेस एग्जाम क्योंकि मेरे साथ जाइए एडवांस से जस्ट दो से तीन दिन पहले फीवर हो गया था कफ एंड कोल्ड भी हो गया था तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट आया अदरवाइज थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड रैंक ऊपर नीचे हो सकती थी आई वॉज अ बिट नर्वस वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर राइट तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एक बैलेंस डाइट लो नो नीड टू ईट थ्री टू फोर छोले भटूराज इन द मॉर्निंग उससे तुम्हें और लेजीनेस फील होगी जिसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एक्सरसाइज वगैरह करते रहो यू कैन टेक आउट एटलीस्ट थर्टी मिनट्स फॉर द एक्सरसाइज फ्रॉम योर डेली रूटीन ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो राइट ऐसे नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल रखी कि बहुत ज्यादा वर्क लोड है तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बिजी हो तीस मिनट निकाले जा सकते हैं अपने टाइम से सेवेंथ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई डोंट नो इफ यू गो टू अ कोचिंग और नॉट कोचिंग वाले हो सेल्फ स्टडी वाले हो ये पॉइंट बेसिकली सेल्फ स्टडी वालों के लिए है कि टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स अब इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज की वजह से लैक करी क्योंकि देखो कोचिंग नॉन कोचिंग वालों में डिफरेंस ये रहता है टेस्ट सीरीज वाला गेम चेंजर रहता है मैंने कई वीडियोज में बता रखा है कि ये गेम चेंज कर देता है कोचिंग uh, वालों या नॉन कोचिंग वालों के लिए तो अगर नॉन कोचिंग वालों को ऐसा लग रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए या ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए तो वो डेफिनेटली वो क्रैश कोर्स कोर्स परचेस करो फाइव थाउजेंड इन्वेस्टमेंट जो भी तुम करोगे क्रैश कोर्स इससे कम में भी आते हैं और अच्छे अच्छे क्रैश कोर्स आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बाद में वर्थ इट प्रूव होगा राइट इसी के लिए मैं एक बताना चाहूंगा कि मैथोंगो हैज़ लॉन्च अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज फॉर जेई मींस ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस्पायरेंट जिसमें उन्होंने फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सारे इंक्लूड कर रखें जेई मीनस ट्वेंटी नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के सारे पेपर्स एक जगह असेंबल्ड मिलेंगे तुम्हें एंड सारे फुल टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं फिफ्टीन पेज डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल हैं टेस्ट के एंड हंड्रेड परसेंट मनी बैक इफ यू स्कोर नाइन्टी नाइन परसेंट आईल इन जेई मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट कमिट ड्यूरिंग योर जेई जर्नी और भी मिस्टेक्स होती हैं कि कोचिंग नहीं ज्वाइन की उसका रिग्रेट होता है डेफिनेटली आई ऑल्सो रिग्रेट बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट सो लीव दैट पर्टिकुलर टॉपिक But keep these uh, six to seven points in mind. So that's it. I hope you like the video. Thank you.